मैंने उस हरामजादे मास्टर को गोली मार दी। मास्टर को गोली मार दी? बहुत अच्छा किया। लेकिन भैया उसके साथ एक बड़ा ही ताकतवर और खतरनाक आदमी आया है। आदमी? मैं तो निकल गया वरना वो कांटा मुझे छुप जाता था। अच्छा, उसके लिए तुम सूरज को बुलाओ। सूरज को क्या? उसे अगर खत्म करना है तो मैं नहीं हूँ क्या? नहीं, सूरज पालतू है, वो किस दिन काम आएगा। अब देखते हैं कि वो आदमी कितना ताकतवर है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अंदर चलो। कोई नहीं रहा इस गांव में। कहाँ चलेंगे सब? अरे ये देखो मास्टर मर गया। अरे किसी ने गोली मार दी से। बेटा तू अपने अपने पिताजी को लेकर आ गया। मैं जानती थी तू अपने पिता को लेकर जरूर आएगा, जरूर आएगा। जानती हूँ तू बहुत थक गया है ना, शहर से गांव का रास्ता बहुत लंबा है ना, तू इन्हें अंदर ले आ। आ बेटा, आ जा बेटा, यहाँ लिटा दे। आ, बहुत थक गए होंगे ना, सोने दे, आराम करने दे इन्हें। मास्टर सो गया, हमेशा के लिए सो गया। इसीलिए कहती हूँ इन्हें सोने दे। जा मुंह हाथ धो के आना, मैंने एक रोटी बचा के रखी है, दोनों मिलकर खा लेना। जाओ मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए, जाओ। अजीब लोग हैं यहाँ, ये बेटा बेटा कर रही है, काफी गड़बड़ है। मास्टर के खूनी, जबान संभाल के बात कर। मैंने किसी का खून नहीं किया। गुनाह कोई कबूल नहीं करता, करवाना पड़ता है। देख साले खान को मेरे गले मत मार। इस गांव में एक बड़ा जहरीला पेड़ है, तेरे बेगुनाह या गुनेगार होने की गवाही सिर्फ वही दे सकता है। पकड़ लो इसे। ले चलो साले को। इतने दिनों बाद मास्टर जी लौटे हैं और तुम लोग भीड़ लगा के खड़े हो। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। वो क्या देख रहे हो मेरा, निकलो। मास्टर जी अब नहीं रहे। क्या कहा? कैसी अशुभ बात करती है? मेरा बेटा कहाँ है? बेटा कहाँ है मेरा? मेरा बेटा कहाँ है? भाइयों, मास्टरनी जी की हालत ठीक नहीं है। हमारे ख्याल से मास्टर जी का अंतिम संस्कार हमें ही करना होगा। चलो।
इसकी तो आंख भी खोली है। इस पेड़ पर डांकों का लटकाया मनुष्य 2 घंटे से ज्यादा जी ना सका और ये तो बच गया। अरे जल्दी उतारो इसे। हाँ अरे जल्दी उतारो भाई। खून। हाँ मास्टर का खून है वो जिनका कत्ल इसने किया है। अगर ये मास्टर का खूनी होता तो मास्टर को लेकर गांव में क्यों आता? मास्टर और मास्टर का बेटा डाकुओं को बंदूकें सप्लाई करते थे। बेटे के मर जाने के बाद मास्टर को एक आदमी की जरूरत थी जो डाकुओं को बंदूकें सप्लाई कर सकता था, इसलिए वो इसे शहर से ले आया। मगर जैसे ही उसने इसे बंदूकों के कारोबार के बारे में बताया, इसके मन में रुपया कमाने की लालच जागी और इसने मास्टर का खून कर दिया। क्या बकवास कर रहा है? मैंने किसी का खून नहीं किया। इसी ने खून किया है, ये कसूरवार है। मगर तुम्ही ने तो कहा था कि अगर ये इस जहरीले पेड़ से बच गया तो बेकसूर है और अगर मर गया तो गुनहगार। और ये तो बच गया भैया। मतलब ये गुनहगार नहीं है। हाँ, ये गुनहगार नहीं है। ठीक है ठीक है, इस पेड़ ने तुझे जिंदगी दी है, लेकिन एक बात याद रख, अगर यहाँ रहकर बंदूकें सप्लाई करने की कोशिश की तो मेरे ही गोली का निशाना बनेगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ इस गांव में ना किसी गलत आदमी को आने दूंगा और ना ही कोई गलत काम होने दूंगा, समझा? चलो हटो। अरे खोलो खोलो इनको, जल्दी लेकर चलो मंदिर की तरफ। कोई पानी लाओ। मैं पानी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। हटो हटो जल्दी उठो। पानी, ये लो पानी पी लो। अरे ये छुरी, अरे ये छुरी किसने चलाई? अरे ये वार किसने किया? कौन है? अरे ये तो चमत्कार हो गया। गांव वालों, मुझे तो ये साधारण मनुष्य नहीं लगता है, मुझे तो ये भगवान का अवतार लगता है, कोई महात्मा देवता लगता है। चलो पैर पड़ो। साले ने दारू की बोतल पंक्चर कर दी। ठीक है शिवा, कुछ दिन भक्तों के गांव में छुपे रहो, पुलिस से भी यही बचाएंगे।